सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पूरे थ्योरी के टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम इसके कैलकुलेशन में जाएं, अगर हम इसके क्वेश्चंस लगाने जाएं तो हमें बहुत सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लगे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस आते हैं, न्यूमेरिकल बेस के लिए आपको फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक लाइन से हर एक जगह जितने भी फॉर्मूले हमें चैप्टर में रिक्वायर्ड है हमारे कैलकुलेशंस को करने के लिए उसको एक जगह लिख लेते हैं सारे। तो आज हम एक फार्मूला की सीरीज़ का लेक्चर बना लेते हैं जिसमें हम सारे फार्मूले को एक साथ लिख लेंगे जितना भी हमें सॉल्यूशन चैप्टर में लगाने को ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूले लिखना। तो जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह मिलेंगे, तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ फार्मूले लिखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स से अगर हम स्टार्ट करें फार्मूले को जानना, तो हमारे पास पहले फार्मूला आएगा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपके पास सॉल्यूट का कितना वेट है और पूरे सॉल्यूशन का कितना वेट है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर। एक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमेशा सॉल्यूट को बी लेंगे, सॉल्वेंट को ए लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन अपने आप जो होगा वो ए बी बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। तो हमें डब्लू सॉल्यूट लिखना है, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट ऐड होगा, तो हम ऐसे लिखने। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चंस में, हमें सॉल्वेंट दिया रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सॉल्वेंट को ही सॉल्यूशन का वेट समझकर पुट कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। नहीं, आपको उसमें सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, तो इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज डब्लू बाई वी, इसमें क्या होगा, हम वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इनटू 100 कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ml में होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया होता है, तो आपको डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर इसको डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को जो भी आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप वॉल्यूम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो क्वेश्चन में इसको कभी कभी मिस किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ आपको ध्यान देना। थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास आएगा परसेंटेज वी बाई वी। परसेंटेज वी बाई वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी हमें सेम चीज़ का ध्यान देना है कि अगर वॉल्यूम जो है वो मास के टर्म में दिया है तो डेंसिटी को हम यूज़ करके उसको वॉल्यूम में पहले कन्वर्ट करेंगे तब हम यहाँ पर पुट करेंगे। चौथा होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होता है ये होता है W सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट तो ग्राम में होना चाहिए लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट आती है। और इसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है स्ट्रेंथ में यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100 वगैरह का नहीं है, नाम इसका भलो से परसेंटेज स्ट्रेंथ है। यहाँ वाला
क्वांटिटी हम ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमको लीटर में ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे लीटर रखा जाता है, वहाँ पे ml मत कर दीजिएगा क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूले में ग्राम और ml चलता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवा हमारे पास प्रॉपर्टी होता है पार्ट पर मिलियन। कंसंट्रेशन टर्म दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज और ऑन द बेसिस ऑफ मोल। तो अभी हम केवल परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं, इसको ppm बोलते हैं। तो ppm होता है w सॉल्यूट अपॉन w सॉल्यूशन इंटू 10^6। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम मिलियन, तो एक मिलियन में 60 होते हैं, तो हम 10^6 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। छठवा होता है पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन ppm और ppb पार्ट पर बिलियन, ये हम इस्तेमाल केवल और केवल वहाँ करते हैं जहाँ हमारे पास सॉल्यूट का कंटेंट बहुत कम हो। अगर हमें एयर पॉल्यूशन निकालना हो तो एयर बहुत बड़ा है ना, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, उसमें पॉल्यूशन का कंटेंट कितना होगा, तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होगा। वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है या CO2 डिजॉल्व है, तो हम बहुत बड़े कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंसंट्रेशन वहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम पार्ट पर बिलियन के टर्म में उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ पर ये अमाउंट बहुत स्मॉल होता है, ये दोनों यूज़ करते हैं हम लोग स्मॉल सॉल्यूट के लिए, बहुत ही स्मॉल सॉल्यूट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बात क्या है, अगर हम देखें कि हम कैसे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें कोई डाटा गिवन हो तो हम उसको समझते हैं। अगर आपको कह दे एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वो 20% बाई वेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो 20% बाई वेट है, ये अगर आपको दे देगा तो आप इससे डाटा कैसे निकालेंगे? आपको तो कैलकुलेशन करना, 20% अगर लिखा हुआ है तो 20% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता है? ऊपर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो 20 है, आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 20 ग्राम और आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। अगर आपको यहाँ से सॉल्वेंट का वेट पता करना है तो 100 में से आप अगर 20 माइनस कर देंगे तो आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा, मतलब सॉल्वेंट आपके पास 80 ग्राम है। जो आपको परसेंटेज लिखा होगा उस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और जो ऊपर वाला होगा वही आपका W सॉल्यूट हो जाएगा, नीचे वाला आपका W सॉल्यूशन। W सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है तो आप W सॉल्यूशन में से जैसे ही W सॉल्यूट को माइनस करेंगे आपको W सॉल्वेंट मिल जाएगा 80 ग्राम। ये काम आपको करना है, आपके अंदर ये एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इसको देख सकें। अगर वो केवल 20% लिख दिया है तो उसका मतलब क्या है, तो आप वहाँ से डाटा निकाल सके। आप वहाँ से डाटा नहीं निकाल पाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास कुछ नहीं गिवन है, बस परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप वहाँ से फिर कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। ये हमने जितने भी 6 फार्मूले डील किए हैं, असल में ये फार्मूले हैं परसेंटेज के बेसिस पे, कंसंट्रेशन टर्म ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। अब जो हम फार्मूले डील करेंगे वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स इन द टर्म ऑफ मोल्स। अगर हम मोल्स को ले आएँ, सॉल्यूट के क्वांटिटी को अब हम परसेंटेज में ना नापें, अगर सॉल्यूट के क्वांटिटी को हम मोल्स के टर्म में मेजर करने लगें तब हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, तो हम उसको अब आगे डिस्कस करते हैं। तो 6 फॉर्मूले हो गया, सातवां फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सिंबल काई से दिखाते हैं, एक्स की तरह लिखते हैं काई, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ग्रीक का सिंबल है। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो हमको मोल जो होगा सॉल्यूट का ऊपर रखना पड़ता है और पूरे सॉल्यूशन का मोल हमको नीचे रखना पड़ता है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं तो हमको सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखना पड़ता है और पूरे सॉल्यूशन का मोल हमको नीचे रखना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप इन सबको कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा कि आप जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आप करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा डाटा आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये कटने के बाद आपको पूरा यूनिटी दे देगा। तो आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू यूनिटी, आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केवल कैलकुलेट कर लिया है, आपको सॉल्वेंट पता करना है, तो आपको दोबारा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको 1 से माइनस कर दीजिए। एक सॉल्यूशन के अंदर अगर 3 कंपोनेंट हो जाएंगे ए बी एंड सी तो भी यही लगेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्विवेलेंट टू
वन हमेशा जितना कंटेंट है सॉल्यूशन का वो हमेशा यूनिटी के बराबर मेंटेन रहेगा। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। आगे हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी कैपिटल है। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपके पास जितना मोल है आप उसके कंटेंट को लिखें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप लीटर में लिखें तो ये आपके पास हो जाएगी मोलैरिटी। मोल को हम बदल सकते हैं मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का हो गया, हमको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम ml में कर देते हैं तो ये हो गया है हमारा 1000 का फैक्टर आ जाएगा। यूनिट इसकी क्या बनेगी, तो मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मोल्स को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर हमारे पास मोल्स नंबर के फॉर्म में दिया होगा तो हम लिखेंगे नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वॉल्यूम के टर्म में लिखा होगा तो लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, अगर एसटीपी दिया होगा तो। जनरली मोलैरिटी में हमें हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मास दिया रहेगा, अगर मास दिया रहेगा तो हम मास अपॉन मोलर वेट लगाएंगे। वरना ये जो मोल है एनबी है इसको तीन तरीके से लिखा जा सकता है, नंबर्स के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। तो ये बन गया हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। अगर आपको कह दें कि एक सॉल्यूशन है उसके मोलैरिटी 2 है, कह दें यूरिया हैज़ मोलैरिटी 2, दो मोलैरिटी है, तो इसका क्या मतलब हुआ। मोलैरिटी इसको हम लिखेंगे तो ऊपर वाला टर्म हमारे पास आ जाता है मोल्स और नीचे वाला आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के टर्म में, तो इसको हम ऐसे 2/1 लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोल कितना है, तो 2 मोल है सॉल्यूट का और वॉल्यूम कितना है तो 1 लीटर वॉल्यूम। मतलब 2 मोल यूरिया को लिया गया है उसको 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि अगर 2 मोलर सॉल्यूशन है, कभी कभी बुक में मोलर लिखा रहता है, मोलर LAR, मोलर मतलब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो हम इसकी यूनिट मोल पर लीटर लिख सकते हैं या तो मोलर लिख सकते हैं। तो क्या लिखा होगा तो आपको क्या क्वेश्चन में पहचानना है उसके लिए बात है। 9th देखते हैं, मोलैरिटी हो गई, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैरिटी मोलैलिटी मोलैलिटी स्मॉल m से दिखाई जाती है, मोलैरिटी को कैपिटल m से दिखाया जाता है। अगर मोलैलिटी की बात की जाए तो मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसकी यूनिट अगर हम देखें तो मोल ऊपर है तो मोल आ जाएगा, नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg तो ये मोल पर लीटर हो गया, या इसको मोलल कहते हैं, मोलल LAL, यहाँ पे LAR आ जाता है, इसके फॉर्मूले में R है ना मोलैरिटी, तो यहाँ मोलर आ जाता है, वहाँ पे मोलल हो जाता है, L आ जाता है। मोल्स को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तीन फैक्टर में, आइदर इन टर्म्स ऑफ मास वेट और वॉल्यूम, तो हम एक ही लिख लेते हैं कोई भी वेट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो वेट का टर्म है वो केवल और केवल सॉल्वेंट का है, मोलैलिटी में केवल सॉल्वेंट का टर्म है, बल्कि यहाँ पर वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशन का वेट रख देते हैं जो कि वहाँ पे हमें उसको उससे बचना है। सेम कंडीशन होगी अगर आपको बोल देगा कि 2 मोलल सॉल्यूशन है, तो 2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 मोल आपका क्वांटिटी का 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ है, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं। मोलैलिटी हो गई। तो अगला हमारे पास एक टर्म आता है नॉर्मैलिटी। अब हम नॉर्मैलिटी के बारे में डील करते हैं। नॉर्मैलिटी को हम दिखाते हैं कैपिटल N से। नॉर्मैलिटी जो होती है ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में डील करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नॉर्मेलिटी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें पहले इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता करना होगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर आता है। वो बैलेंसी फैक्टर कैसे डिसाइड होती है? अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। मास के नॉर्मल सॉल्ट के लिए अलग होती है, कैटायन के लिए अलग होती है, एनायन के लिए अलग होती है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अलग होती है, बेसिसिटी के हिसाब से अलग होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जो होता है, ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। ये क्या है इसके बारे में हम आगे थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें पता चलेगा कि नॉर्मेलिटी क्या है। कभी कभी आपको नॉर्मेलिटी दे करके मोलैरिटी पूछता है, तो आप लिख सकते हो कि ये आपकी जो नॉर्मेलिटी है वो है मोलैरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर के बराबर आती है। अब हम कुछ आगे इसके फॉर्मूले पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूलों को कंबाइन करेंगे। जैसे मोलैरिटी का मोलैरिटी से क्या रिलेशनशिप है, मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी के साथ हम देख ही रहे हैं, मोलैरिटी का स्ट्रेंथ से क्या है, मोलैरिटी का परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से क्या रिलेशनशिप है। तो अभी हमें क्या करना है, हम अभी अपने फॉर्मूले को अब इसके बाद कंबाइन करके देखेंगे। तो हम इसको अब कंबाइन करते हैं। फॉर्मूले हमने देखे कंसंट्रेशन के टर्म में, अब हम क्या कर सकते हैं, जितने हमारे पास अभी हमने फॉर्मूले देखे उनको हम कंबाइन कर देते हैं। कभी कभी क्या करता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी का मोलैरिटी से, मोलैरिटी का डेंसिटी से, स्ट्रेंथ से, सबसे अपना रिलेशनशिप पूछता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो हम कई सारे रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। अगर हम देखें रिलेशनशिप डिराइव करना, तो हम देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। कैपिटल एम मोलैरिटी है, स्मॉल एम नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज मास बाय मास, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी का मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन आता है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के रिलेशन में, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, नॉर्मेलिटी और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू करेंगे तो यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिखते हैं वहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट रखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर के बारे में हमारे पास जानकारी होगी तभी हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 14 रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कैपिटल एम इज़ द मोलैरिटी, स्मॉल एम द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड काई, स्मॉल एम मोलैलिटी है और काई मतलब मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर देखें तो आएगा मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 प्लस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको और कन्वर्ट करके देखें और सॉल्व करके देखें तो हमें मिल सकता है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए हमेशा सॉल्वेंट के लिए, बी हमेशा सॉल्यूट के लिए, एम डब्ल्यू मतलब मॉलिकुलर वेट। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इस बार मोलैरिटी की बात कर रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलैरिटी, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू डी, डी मतलब डेंसिटी। या हम इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी इंटू मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बी मतलब सॉल्यूट और ये मतलब सॉल्वेंट। कभी कभी क्या होता है, जो मोलैरिटी दी गई होती है या नॉर्मेलिटी दी गई होती है वो डाइल्यूशन के केस में दी होती है। अगर हम डाइल्यूशन के केस को कंसीडर करें तो फॉर द केस ऑफ डाइल्यूशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डाइल्यूशन में क्या होगा। अगर हम
एम एंड वी इन डाइल्यूशन के केस में देखें, तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जो भी है, मिक्सचर है आपके पास, इसमें अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या होगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। दूध में अगर आप पानी डाल दोगे तो दूध का जितना मिल्क के पार्टिकल थे वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना, उसमें एडिशनल उसमें केवल जो है वाटर कंटेंट बढ़ गया, तो मिल्क की क्वांटिटी दोनों कंडीशन में बिफोर एंड आफ्टर जो है वो बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, मोल जो फर्स्ट वाले कंडीशन में होगा वही मोल हमारे सेकंड वाले कंडीशन में होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो अगर हम मोल को निकालने की कोशिश करेंगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो हमको मोल मिलने लगेगा। हमें क्या पता चल रहा है कि मोल जो है वो कांस्टेंट है, मोल जो रह रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि जितना भी सॉल्यूट हमारे पास डिजॉल्व होगा डाइल्यूशन के पहले और डाइल्यूशन के बाद में वो कांस्टेंट आएगा। तो एन वन बराबर एन टू हो जाएगा, एन वन को हम लिख सकते हैं एम वन वी वन और एन टू को लिख सकते हैं हम एम टू वी टू। तो ये फॉर्मूला वाला मोलैरिटी के लिए, सिमिलरली यही फॉर्मूला बन जाएगा एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू फॉर नॉर्मैलिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन का केस है तो ये होगा। एक केस होती है मिक्सिंग की, अगर हमने दो अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है तब क्या होगा। तो अगला केस पढ़ते हैं, एम एंड एन ऑफ मिक्सिंग। एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से मिक्स करके हमने नया सॉल्यूशन तैयार कर लिया। सॉल्यूशन को तैयार करोगे तो इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे सब ऐड हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n3। n1 आप लिख सकते हो m1 v1, m2 को आप लिख सकते हो m2 v2 और n3 को आप लिख सकते हो m3 v3। v3 जो होगा वो वॉल्यूम जो होगा वो 1 और 2 को जोड़ करके आएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2। चाहे तो अगर आपको थर्ड का वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप v1 प्लस v2 करिए, थर्ड का दिया है तो आप ऐसे लगाइए। नॉर्मैलिटी अगर होगी तो बस m के बदले आप n लगा देंगे, ये नॉर्मैलिटी का केस हो जाएगा डाइल्यूशन में और मिक्सिंग में। तो हमारे पास ये फॉर्मूले बने डाइल्यूशन और मिक्सिंग के। एक केस आता है मोलैरिटी का विथ स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो रिलेशन बिटवीन एम एंड स्ट्रेंथ, मोलैरिटी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में लेंगे तो ऊपर थाउजेंड का फैक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, जैसे ही हम इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा, देखो वेट से वेट कट जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, केवल बचेगा वन अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये इससे कट जाएगा डिवाइड करने पे, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बस बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मोलैरिटी इनटू अगर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं तो हमको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने कुछ रिलेशनशिप डिराइव कर ली। आगे के जो फॉर्मूले हैं वो अब हमारे चैप्टर से रिलेटेड फार्मूले होंगे जो हमें चैप्टर्स में पढ़ने हैं, तो हम उनको डील करते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे थे, कंसंट्रेशन टर्म्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, आगे के फॉर्मूले हम
आगे के फॉर्मूले हमारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। जैसे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ का एक फॉर्मूला देखते हैं। हेनरी लॉ में हमने देखा था कि कैसे हम, अगर गैस है हमारे पास लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो हम प्रेशर लगा के कैसे गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो वहाँ हमने पाया था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है अबव द लिक्विड वो था हेनरी लॉ कांस्टेंट टाइम द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ के बाद हम लोग आए थे राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ हमें ईच कंपोनेंट के बारे में डील कराता है। आपके पास सॉल्यूट कितना है तो सॉल्यूट कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर बनाएगा। राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल कंपाउंड के ऊपर काम करता है, तो अगर आपका कंपाउंड वोलेटाइल है जो कि वेपर बना रहा है, तो अगर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे अगर हम सॉल्यूट का सॉल्वेंट का कंपोनेंट लें, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्विवेलेंट टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर आपके पास सॉल्यूट है तो इसका प्रेशर आएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ऐड होकर वेपर प्रेशर आएगा। आप जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी, ये आपके पास रिलेशनशिप मिलेगा। इसी को आप, हम जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर आप उन दोनों मोल फ्रैक्शन के टर्म को ऐड कर दोगे तो ये वन आ जाता है। तो आप किसी एक वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे आप काई ए की वैल्यू को अगर वन माइनस काई बी लिख देते हो, या आप काई बी की वैल्यू को वन माइनस काई ए लिख सकते हो, तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो और टोटल प्रेशर की वैल्यू को किसी एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ यहाँ पर आता है। किसी एक में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हमने पढ़ रखा है, वो डेराइव हो जाएगा, थ्योरी लेक्चर्स में भी पढ़ा था। बस आपको क्या करना है, काई बी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देनी है, केवल एक रिलेशनशिप में आ जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर देख भी लेते हैं इसे। अगर हम सॉल्वेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे पी नॉट ए वन माइनस काई बी, इसको हमने वन माइनस काई बी से रिप्लेस कर दिया है, पी नॉट बी काई बी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पी नॉट ए, पी नॉट ए काई बी, पी नॉट बी काई बी, काई बी और काई बी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, अगर हम यहाँ से काई बी को कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा माइनस पी ए प्लस पी बी नॉट। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम काई बी को यहीं रहने देंगे, पी बी को पहले लिख लेते हैं पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये केवल एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, चाहे तो यहाँ पर, अगर आपके पास एक मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप किसी एक के टर्म में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। अगर दोनों वेपर बना रहे हो तो आपके पास सॉल्यूट है, आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी वेपर बनाए, सॉल्वेंट भी वेपर बनाए, तो ये कंडीशन आती है। अगला है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आएंगे। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है हमारा, जिसे हम शॉर्ट टर्म में RLVP कहते हैं, असल में ये राउल्ट्स लॉ ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम इसको राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कह सकते हैं, तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ये हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग, और जो कि आ रही थी मोल फ्रैक्शन के ऑफ सॉल्यूट के बराबर। इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारे पास फैक्टर कुछ ऐसा आ गया था। हम डाइल्यूशन के केस में जा करके नीचे से सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को हटा देते हैं, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम होता है। इसको मॉलिकुलर वेट में करें तो वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, ये सॉल्यूट है, वेट ऑफ ए इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट,
ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अगला क्या है हम देखते हैं, एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ। अगर हम राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ के स्पेशल केस में देखें, हम देख सकते हैं जो प्रेशर है हेनरी लॉ में, अगर हम हेनरी लॉ की बात करें तो जो प्रेशर है वो आ रहा है के एच टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और अगर हम इसकी बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो यहाँ जो प्रेशर है वो आ रहा है पी नॉट ए, अगर पी नॉट बी और काई भी कर दें, देखने पे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, बस केज की वैल्यू अगर पी बी के बराबर हो जाएगी तो जो राउल्ट्स लॉ है वो हेनरी लॉ के बराबर हो जाएगा। तो स्पेशल केस क्या होता है, इफ़ केज इज इक्विवेलेंट टू पी नॉट बी देन राउल्ट्स लॉ बिकम हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ बिकम हेनरी लॉ, ये स्पेशल केस होता है एक। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ था, हमने देखा था जो भी हमारा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग आया था वो आया था के बी इंटू एम। हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था तो हम सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, के बी मोलैरिटी के फॉर्मूले को, मोलैलिटी है ये, मोलैलिटी के फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो ये आता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में है तो ऊपर हम 1000 के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें क्या निकालना होता है, हमें इसमें निकालना होता है किस टेम्परेचर पे बॉईल करेगा सॉल्वेंट, पहले कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा था सॉल्यूशन, अब ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे टी नॉट ए प्लस के बी मॉलिकुलर ऑफ वेट ऑफ बी इनटू, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगला मोलल एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन पॉइंट कांस्टेंट का मतलब है के बी, हम अपने इस के बी की ही वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के बी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप है के बी इज इक्वल टू आर इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू टी ए नॉट होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय द फैक्टर ऑफ 1000। ये हमारे पास आता है के बी के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो के बी के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू टी बी नॉट स्क्वायर इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, इंथैल्पी है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन को अगर हम कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो लैटेंट हीट होता है, लैटेंट हीट की वैल्यू होती है डेल्टा एच अपॉन मॉलिकुलर वेट। अगर हम इसको लैटेंट हीट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो हमें फिर के बी मिल जाएगा, के बी इज इक्वल टू आर इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू टी ए नॉट होल स्क्वायर 1000, और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं एल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये फॉर्मूला है लैटेंट हीट का तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एल इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास के बी का फॉर्मूला, हमारे पास के बी के दो फॉर्मूले होते हैं आर इंटू टी ए नॉट होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल।
आइदर हम ये लैटिन हीट के टर्म में लगा सकते हैं या वेपोराइजेशन इनथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में इसको लगा सकते हैं। फिर क्या फॉर्मूला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आगे हमें पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही थी और फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा था, जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया था। जैसा फॉर्मूला इसका होता है वैसा ही बस इसका होता है, थोड़ा अंतर है, इसमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसमें सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इंटू मोलेलिटी। इसमें हमारे पास सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो सॉल्वेंट वाले को पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन वाले को बाद में, Kf लिखेंगे, मोलेलिटी की वैल्यू लिखेंगे, तो मोलेलिटी की वैल्यू होती है वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने लिया है ग्राम में तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा kg में हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि सॉल्यूशन हमारा किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। तो अगर हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालना है, इस पूरे क्वांटिटी को लेकर के हम इधर आ जाएंगे और सॉल्यूशन वाले क्वांटिटी को उधर लेकर जाएंगे, तो हमें मिलेगा TA0 माइनस KF वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें टेम्परेचर बढ़ के आ रहा था, एलिवेट होके आ रहा था, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें टेम्परेचर घट के आ रहा था तो यहाँ पर माइनस का साइन है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलल डिप्रेशन पॉइंट कांस्टेंट। अगर हम Kf की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो Kf की वैल्यू भी सेम तरीके से कैलकुलेट होगी, R इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू TA0 होल स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा H फ्यूज़न लगेगा, हम जानते हैं हमारा जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो होगा डेल्टा H अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा एच जो है वो है लैटेंट हीट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला फिर से कन्वर्ट होकर आ जाएगा, तो हमें Kf की वैल्यू इसके जैसे मिलेगी, मॉलिकुलर वेट कट जाएगा, तो Kf की वैल्यू हमें मिलेगी R इंटू TA0 होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात होगी, वहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात होगी। तो ये हमारे पास Kf के दो फार्मूले मिलते हैं। तो अब इसके आगे हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, आगे हमारे पास टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर्स, वेंट ऑफ फैक्टर्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उन सब के बारे में डील करते हैं। तो 27 फॉर्मूले हो गया, 28 पे डील करते हैं। अगला है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए कितना एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू CRT। सी यहाँ पे असल में हम मोलैरिटी को लेते हैं, मोलैरिटी लेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं MRT। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर वेट के टर्म में कुछ ऐसा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 और RT। तो ये पाई के फॉर्मूले हैं हमारे पास, इनमें से ऑस्मोटिक प्रेशर में हम कुछ लगाएंगे। तो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है एबनॉर्मल मोलर मास का,
एबनॉर्मल मोलर वास में जब हम पढ़ते हैं तो या तो हमारे पास एसोसिएशन होता है या तो हमारे पास डिसोसिएशन होता है। ड्यूरिंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमारा मॉलिकुलर वेट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। मॉलिकुलर वेट जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो किस फैक्टर से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है उसको दिखाने के लिए हम दिखाते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब हम लिखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर आई, आई का फॉर्मूला तीन होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या तो पार्टिकल एसोसिएट हो रहा होगा या तो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तीसरा हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर हम ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखें कि कितना हमने ऑब्जर्व किया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो देखने से आती है, और उसका हम रेशियो ले लें कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो भी हमें आई की वैल्यू जो है मिल जाएगी। जैसे ही हमारे पास आई का टर्म आ जाता है हमारा जो भी क्वांटिटी है वो आई के फैक्टर से चेंज होने लगेगा, तो हमारे पास जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उसके मॉडिफाइड फॉर्म आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ में हमारे पास चार फॉर्मूले बनेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर होगा तो लिखेंगे पी नॉट ए पी सॉल्यूशन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू काई बी, और काई बी को अलग अलग फॉर्म में हम एक्सचेंज कर सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम लिखेंगे के एफ इंटू मोलैरिटी, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए लिखेंगे सी आर टी और सी के आगे आई। सबके आगे हम आई का फैक्टर अगर लगा देंगे तो इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें ध्यान देना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल घटाओगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, और इसकी वैल्यू जो है वो मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। अब अगर हमारे पास कंपाउंड हमारा सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट या डिसोसिएट होना शुरू हो गया है, तो जैसे ही हमारा कंपाउंड एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में जाता है तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाने के बाद कितना डिग्री एसोसिएट हो रहा है या कितना डिग्री उसका डिसोसिएट हो रहा है उसे कैसे पता करें, तो उसे पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो अगला हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है। अगर हमारे पास पार्टिकल है ए और ए बन जा रहा है एन टाइम में, छोटे छोटे कई सारे टुकड़े बन जा रहे हैं, एक पार्टिकल था वो टूटा तो उसके कई सारे अगर पार्टिकल्स बन गए, इस तरीके की बात है डिसोसिएशन की बात है। यहाँ पर जो अल्फा होगा वो अल्फा होगा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, या तो कहीं कहीं ये लिखा होता है, कभी कभी क्या होता है माइनस का साइन कॉमन ले लिया जाता है तो वन माइनस आई लिखा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला आता है अल्फ़ा इज इक्वल टू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस एन, दोनों ही सेम है, ऊपर नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन
डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, आपके पास पहले पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, वो कंबाइन होकर एक एग्रीगेट पार्टिकल बना लेंगे। इसका मतलब आपके पास ज़्यादा पार्टिकल हैं, आपके पास एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और ये जाकर के ए एन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आएगी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। ये अल्फा की वैल्यू आती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में। अगर हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद अल्फा आएगा वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। दोनों ही सेम है, बस माइनस साइन का कॉमन है, माइनस साइन जैसे ही हम कॉमन लेंगे हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से कन्वर्ट होने लगेगा। हमें बात का क्या ध्यान देना है, अगर हमारे पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, आई की वैल्यू लेस देन वन है या आई की वैल्यू वन है, तो हमें क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा। आई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो टूट चुके हैं। आई की वैल्यू लेस देन वन है तो ये एसोसिएशन बताएगा, और आई की वैल्यू अगर वन के बराबर है तो नाइदर एसोसिएशन नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हुआ है। आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो हम ये भी देख सकते हैं कि आई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ आई, अगर हमारे पास कंपाउंड है एन ए सी एल, ये टूटने के बाद एन ए प्लस और सी एल माइनस बन रहा है। आई क्या कहता है, आपके पास कितने पार्टिकल बाद में हैं, तो बाद में कितने पार्टिकल है, एक और एक ये मिलके दो, पहले कितने थे एक, तो इसमें आई की वैल्यू दो है, दुगनी एक्सटेंट बढ़ गई है। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है लाइक एम जी सी एल टू, तो ये टूटेगा तो ये बनाएगा एम जी प्लस प्लस टू सी एल माइन, इसमें दो क्लोराइड के पार्टिकल, तो अगर इसकी आई की वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पार्टिकल कितने मिले फाइनल में, तीन, दो क्लोरीन के एक मैग्नीशियम के, तो तीन बटा एक मतलब तीन आ गया। या अगर हम ऐसा कहें कि हमारे पास कोई पार्टिकल है वो 2a है, वो मिल करके a2 बन गया है। अब i की वैल्यू बताते हैं, i की वैल्यू अब कैसे बताएंगे, तो i की वैल्यू बाद में कितनी मिली, एक, पहले कितने पार्टिकल थे, दो थे, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गए। अगर आपका डाइमर के बदले ट्राइमर बन रहा होगा तो तीन पार्टिकल थे वो मिल करके ट्राइमर अगर बना दिए हैं, तो i की वैल्यू जो होगी वो पहले बाद में एक है, पहले तीन थी, तो ये डेसिमल के फॉर्म में आने लगेगा। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू कम है तो एसोसिएशन हुआ है, आई की वैल्यू ज़्यादा है तो डिसोसिएशन हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो केस है, ये केस है एसोसिएशन का, ये हमारा केस है एसोसिएशन का, और ये हमारा केस है डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू बढ़ती है और एसोसिएशन में आई की वैल्यू घटती है। तो यहाँ से हम चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है और आई की वैल्यू को कैसे लगा करके हम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन को पता कर सकते हैं।